हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सुप्रीम मैक। तो आज मैं आया हूँ स्कॉडा के शोरूम में आपको ब्रांड न्यू कार की फुल डिटेल एंड स्पेसिफिकेशंस बताने, जो कि है स्कॉडा कुशैक एम्बिशंस TSI 1.0 मैनुअल। तो गाइस, ये इसका ये मैनुअल वेरिएंट है। इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। वन है बिल्कुल बेस, ये मिड मॉडल है एंड इसका एक टॉप मॉडल भी आता है। तो आज हम करेंगे इसकी फुल डिटेल रिव्यू एंड स्पेसिफिकेशंस। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जो कि है द सुप्रीम मैक। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट पार्ट से एंड बात करें इसकी हेडलाइट्स की। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाती है एंड विद DRLs। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको DRLs का ऑप्शन भी देखने को मिलता है एंड जो लाइट्स की जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो इसमें जो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी शार्प लुक भी आ रही है। एंड नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैम्प्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि हैलोजिन है। साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट ग्रिल्स देखने को मिल जाती हैं, ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे ये प्लास्टिक की ग्रिल्स देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ अच्छा लुक देती है। एंड बीच में आपको स्कॉडा की जो बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, बात करें इसके कलर की, तो यहाँ पे आपको डीप रेड कलर अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको 4 और कलर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि सिल्वर होता है, ग्रे होता है, ऑरेंज होता है एंड वाइट भी होता है। तो ये कलर्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं एंड मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो गाइस, ये रहा इसका फ्रंट का पार्ट एंड करते हैं अब इसके इंजन में को ओपन। मैं आपको इंजन की कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो गाइस, आप ओपन कर दिया इसका इंजन भी, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कवर्ड इंजन देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पे। एंड इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 1000 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, गाड़ी की मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 114 bhp की जो गाड़ी मैक्सिमम पावर दे देती है। एंड मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 178 Nm की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फुल कवर्ड इंजन लगा हुआ है एंड यहाँ पे जो इंजन की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। एंड नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बाद में कवर करवा सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगा इस गाड़ी में। एंड बात करें इसकी वारंटीज़ की, तो हमें यहाँ पे बैटरी की वारंटी देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ पे हमें 3 ईयर्स की वारंटी एंड किलोमीटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 1 lakh kilometers की जो वारंटी देखने को मिल जाती है। तो ये रही इसकी इंजन की फुल स्पेसिफिकेशंस गाइस। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसका इंजन कैसा लगा है, इसमें अगर कोई चीज़ रह रही है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो करते हैं इसके इंजन को क्लोज़। तो गाइस, बात कर लेते हैं साइड की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओवरबीम देखने को मिल जाता है, जो कि बॉडी कलर है। नीचे आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एंड साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्कॉडा की जो बैचिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे प्यारो ब्लैक फिनिशिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है यहाँ पे। एंड गाइस, इसके बात करें इसके एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की, तो ये भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर देखने को मिल जाता है। एंड ये रहा इसका फ्यूल टैंक, तो इसके टैंक फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए जैसे आपको अगर गाड़ी आपकी अनलॉक है देन ही आप इसको प्रेस करेंगे देन ये अपने आप ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको अनलीडेड फ्यूल ओनली का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो करते हैं इसको क्लोज। सो गाइस, बात करें गाड़ी की डायमेंशंस की, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसके जो टायर्स है वो हमें यहाँ पे 16 inches के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्कॉडा की नीचे बैचिंग देखने को मिल जाती है एंड आप जैसे कि देख सकते हैं इसको 16 inches के टायर है, काफ़ी अच्छे टायर्स हैं। एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो पीछे हमें यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती है, बट आगे हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। फ्रंट सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको MacPherson सस्पेंशन विद लोअर स्टारलिंक एंड स्टेबलाइजर बार देखने को मिल जाता है। तो एंड बात करें इसकी रेयर सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको ट्विस्ट व्हील एक्सल्स भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, बात करें गाड़ी की लेंथ की, तो यहाँ पे हमें 4.2 मीटर की लेंथ देखने को मिल जाती है। विड्थ की बात की जाए तो 1.7 meters की एंड हाइट की बात की जाए तो 1.6 meters की हाइट देखने को मिल जाती है। तो मेन गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। एंड व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2.6 meters का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस, अब करते हैं इसके बूट को ओपन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आउटर लुक बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको रेयर वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको रेयर डिफॉगर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये रही इसकी हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस, इसमें आपको रूफ रेल्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये यूजेबल है। इसमें आप 100 to 200 kg का जो वेट होता है वो रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है सेगमेंट की। तो ये इसकी ये बात करें इसकी टेल लाइट्स की, तो यहाँ पे हमें LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं एंड यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लुक बना देता है इसको। तो नीचे यहाँ पे आपको कुशैक की बैचिंग देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको बड़ी सी स्कॉडा की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। तो करते हैं इसके बूट को ओपन एंड यहाँ पे आपको नीचे बटन्स दिए गए हुए हैं, जैसे आपको प्रेस करना है इसका बूट अपने आप ओपन हो जाएगा जैसे देख सकते हैं।
एंड गाइज बात करें इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको 385 लीटर्स की बूट स्पेस देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पे आपको ये पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, तो बाद में इसको आप जाके रिमूव भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज़ भी देखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पे आपको स्कोडा कार परफ्यूम देखने को मिल जाती है, तो ये आप बाद में जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड बहुत सारी एसेसरीज डब्बे में भी रखी गई हैं, तो ये आप एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के इसको परचेज़ भी कर सकते हैं अगर आपका मन चाहे तो। एंड स्पेयर व्हील की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको 15 इंचीज का स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। भाई ये 16 इंचीज का नहीं होगा, बट ये 15 इंचीज का मिल जाएगा। एंड साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको हुक्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसकी कैपेसिटी आपको 3 kg की तक की देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इसमें आपको यहाँ पे इसका जो कार का कवर है वो भी देखने को मिल जाएगा, तो ये आप एसेसरीज़ के साथ ले सकते हैं। तो करते हैं इसके बूट को क्लोज एंड चलते हैं अब इसके अंदर, एंड अब अंदर की डिटेल बता देता हूँ। तो गाइस आ गया हूँ मैं कार के अंदर, एंड जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो गाइस यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉल रिसीविंग कॉल डिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको और भी कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। बीच में आपको स्कोडा की बैचिंग देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज बात करें इसकी सेफ्टी की, तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, बट ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड। एंड बात करें इसकी कीज़ की, तो यहाँ पे आपको फ्लिप कीज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप, तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश कीज़ है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर का, एंड पीछे आपको स्कॉडर की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। तो की को लगाते हैं यहाँ पे। एंड बात करें ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे आपको जो इंटीरियर डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे इसके लुक्स लग रही हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर विंडोज़ का ऑप्शन है वो आपको सब में देखने को मिल जाएगा, एंड वन टच डाउन आपको ड्राइवर साइड में देखने को मिल जाएगा। एंड ये रहा इसका इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM। तो गाइज यहाँ पे आपको वाइपर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो पैसेंजर साइड सीट है वो आपको 4-way मैनुअल देखने को मिल जाएगी, एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको 6-way मैनुअल देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको कुशन देखने को मिल जाता है जो स्कॉडा का, तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको। एंड बात करें इसके ग्लोव बॉक्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड यहाँ पे आपको स्कॉडा की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, जो इसका इंटीरियर लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, हालांकि प्लास्टिक में बट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये रही इसकी ऊपर की हेडलैम्प्स, एंड यहाँ पे गाइस आपको ग्लासेस सनग्लासेस रखने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये मैंने अपने सनग्लासेस रखी हुई यहाँ पे। एंड ये रहे इसके आगे के सन वाइज़र, तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। एंड ड्राइवर साइड की बात की जाए तो वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ड्राइवर साइड पे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है, क्योंकि ड्राइवर साइड पे हमें कभी नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी साइड पे भी देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पीछे भी आपको कैबिन लैंप देखने को मिल जाएंगी। जो सीट्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब इसमें जो आपको बीच में स्ट्रिप्स भी देखने को मिल जाती है सीट में, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। एंड ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6-gear मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगी। तो जो इसका रिवर्स है उसको डालने का तरीका ये है कि जिसको आपको थोड़ा नीचे प्रेस करना पड़ेगा, एंड इसमें रिवर्स डालना पड़ेगा, तो इसका रिवर्स अपने आप डल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड गाइस बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको डिजिटल एंड एनालॉग दोनों देखने को मिल जाएगा। तो इसमें इसका जो आपको टैकोमीटर वो भी आपको एनालॉग देखने को मिलेगा। जो डिजिटल स्क्रीन है वहाँ पे आपको क्लॉक दिख जाएगा, वहाँ पे आपको फ्यूल एम्प्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डोर ओपन की वार्निंग देखने को मिल जाएगी, जो कि इसमें ऑलरेडी हुए हुए हैं। एंड यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, रेयर कैमरा का भी यहाँ पे आपको बीप दे देगा। तो बात करें इसकी टच स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपको 10 इंचेस की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। एंड बात करें टच स्क्रीन के कंट्रोल्स की, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे बैक करना है तो इसका यहाँ पे मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको कार डैशबोर्ड, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इवन के नेविगेशन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ओपन करते हैं इसकी सेटिंग्स को, मैं आपको सेटिंग्स का थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर कार सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से इसकी जो लाइट्स है वो सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है। मीडिया में चले जाएँ तो आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन है, एंड ये ऐप्स होती हैं इसकी थोड़ी सी, तो नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। बट सिस्टम में चले जाए तो ब्लूटूथ फोन ऑडियो, एंड इसकी डिस्प्ले है, तो आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस एंड डिस्प्ले की स्क्रीन अवेलेबिलिटी सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे इतना ज़्यादा फंक्शंस पता नहीं है, बट आगे जाके मैं ट्राई करूँगा इसके फंक्शंस को भी सीखने की। तो चलते हैं बैक, एंड यहाँ एक और ऑप्शन है, इसमें कॉल्स का ऑप्शन भी आप जब चाहे इसमें कॉल्स मिला सकते हैं, वाईफाई भी है, डिवाइस अपना इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो सेटिंग्स पे वापस चलते हैं, एंड मैं देखता हूँ कुछ और यहाँ पे। तो यहाँ पे हाँ, ब्राइटनेस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे हो जाता है मेंटेन। एंड ये रही आपकी प्रोफाइल, तो हे कुशाक यहाँ पे आपको दिखा जाएगा।
तो इसमें आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी। एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, एंड नीचे आपको कुछ एसी के यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, एंड ये गाड़ी को लॉक अनलॉक का चाइल्ड सेफ्टी लॉक का देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे टाइप सी के। एंड गाइस स्टेयरिंग की बात की जाए, स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। साइड पे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कवर्ड विद क्रोम फिनिशिंग, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका लुक बता देता हूँ, तो ये रही इसकी पीछे की सीट्स, जो कि 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं, बट बेस वेरिएंट में आपको 50-50 आएगा स्प्लिट सीट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, गाड़ी का जो अंदर का लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई एम इम्प्रेस्ड, क्योंकि गाड़ी का जो अंदर का इसमें मेन मॉडल में बनाया है वो भी बहुत सारा अच्छा चीज़ है। एंड गाइज ये बात की जाए इसकी, तो ये इसके जो हम टच स्क्रीन की बात की जाएंगे या फिर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो यहाँ पे ये काम आता है, इसको आपको रोल करना है तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो गाइज ये रहा अंदर का फुल इंटीरियर का लुक। तो गाइज आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको इसका इंटीरियर लुक कैसा लगा है। तो गाइज ये रहा स्कोडा कुशाक एम्बिशन का फुल डिटेल रिव्यू एंड स्पेसिफिकेशंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड कार भी। तो गाइस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आप वीडियो पे नए, अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाएं, एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड हैव अ नाइस डे।